सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 नमस्ते दोस्तों यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और तपन चौर फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं आज अठारवा सेशन है कठोपनिषद सीरीज का आज दूसरा सेशन है और आज से हम कठोपनिषद सीरीज के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का प्रथम मंत्र पढ़ने जा रहे हैं हमने जैसे पहले देखा था कि कठोपनिषद में दो तो मूल खंड है दो चैप्टर्स हैं 119 मंत्र हैं पहला जो चैप्टर है उसमें तीन वल्लियां हैं, इकहत्तर मंत्र उसमें हैं और दूसरा जो चैप्टर है उसमें भी तीन वल्ली हैं और 48 मंत्र उसमें हैं। आज हम प्रथम चैप्टर का प्रथम वल्ली का प्रथम मंत्र पढ़ने जा रहे हैं मतलब वन पॉइंट वन पॉइंट वन फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वल्ली फर्स्ट मंत्र तो अब आज हम यहां से शुरुआत करेंगे और कठोपनिषद में औपचारिक रूप से हम आज मंत्र पहला शुरू करेंगे यदे तद्गच्छ इसका ओवरऑल जो पिक्चर है वो कुछ इस प्रकार है प्रथम चैप्टर के जो ट्वेंटी नाइन मंत्र हैं उसमें जैसे आपकी आंखों के सामने आपको दिखता है कि मंत्र एक से नौ में कहानी है कि किस प्रकार पिता पुत्र में संवाद होता है किस प्रकार पिता पुत्र को मृत्यु के पास भेज देते हैं किस प्रकार जब पुत्र मृत्यु के पास जाता है तो मृत्यु उस समय घर पर नहीं होती किस प्रकार उसे तीन मंत्र तीन वरदान मिलते हैं पुत्र को और उन वरदानों में वो क्या मांगता है इस तरह की बातचीत मंत्र एक से नौ के बीच में शुरू होती है इसमें गुरु स्वयं यम है मृत्यु है शिष्य नचिकेता है उनमें संवाद है मंत्र दस ग्यारह में वो पहला वरदान मांगता है जब मृत्यु मृत्यु या यमराज वरदान देते हैं वो क्या होता है कैसे वो अपने पिता की शांति को मांगता है वो सब हम चर्चा करेंगे मंत्र 12 से 19 में दूसरे वरदान का जिक्र आता है वो तीन वरदान मांगता है तो दूसरे वरदान का जिक्र मंत्र बारह से उन्नीस में वो कैसे अग्नि विद्या को जानना चाहता है और किस प्रकार अग्नि का नाम नचिकेता पड़ा ये सब उस समय हम पढ़ेंगे नचिकेता का अर्थ क्या होता है ये सब उस समय हम पढ़ेंगे और फिर मंत्र बीस से उनतीस तक जिक्र होता है उस तीसरे वरदान का जो मांगता है ये वही वरदान है जिसके लिए पूरा कठोपनिषद सृजित हुआ भारत के सबसे प्रमुख उपनिषदों में से एक जिसको ऑफन कोट किया गया किस प्रकार नचिकेता में वो अधिकारत्व है वो कैसे वो अधिकारी है आत्मज्ञान को जानने के लिए आत्मज्ञान को जानने के अधिकारी होने के लिए क्या दशाएं जरूरी हैं वो सब चीजें हमें उस मंत्र में पढ़ने को मिलेंगी 20 से 29 तो ये है एक बिगर पिक्चर नचिकेता और यम संवाद पर सृजित कठोपनिषद की तो चलिए अब पहला मंत्र शुरू करते हैं पहला मंत्र आपके सामने ओशन हवै वाजश्रवसः सर्व वेद संददौ तस्यह नचिकेता नाम पु वाजश्रवस के पुत्र ने यज्ञ फल की कामना करते हुए अपना सर्वस्व दान कर दिया उसका नचिकेता नाम का एक पुत्र था चलिए शुरुआत करते हैं यहीं से यहां अब चर्चा हो रही है वाजश्रवस ऋषि के जो पुत्र है वो एक यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ फल की कामना से उन्होंने अपना संपूर्ण धन दान कर दिया उनका एक नचिकेता नाम का पुत्र था ये जो कामना हमारे जीवन में होती है मन की प्रवृत्ति होती है कामना कर कामना जब प्रवृत्ति की तरफ होती है इसको युक्त कहते हैं ये हमें युक्त करती है जगत से और यही कामना जब निवृत्ति की तरफ होती है इसी को मुक्त कर कहते हैं यह हमें जगत से मुक्त करती है जब कामना प्रवृत्ति की दिशा में होती है हमें युक्त करती है तो वही मृत्यु है वह हमें मृत्यु की ओर ले जा रही है पर जब कामना निवृत्ति की दिशा में होती है मुक्ति की दिशा में होती है तो उसे ही अमृत कहते हैं भारतीय शास्त्रों ने इस बात को अच्छे से समझा कि उम्र के अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग प्रकार की कामनाएं व्यक्ति के मन में आती जब वो बच्चा होता है जब वो युवा होता है जब वो व्यस्क होता है जब वो गृहस्थ होता है जब वो संस्थ होता है हर समय अलग अलग तरह की कामनाएं होती है वो तो किसी ने कहा भी है ना शौक होते हैं हर उम्र में जुदा जुदा खिलौने इश्क पैसा और फिर खुदा खुदा सो so, जिस भी उम्र में आप हैं शास्त्र कहते हैं उस उम्र के अनुरूप कामना होनी चाहिए आपकी तो क्या है हमारी उम्र आप अपनी उम्र सोच के रखिए अगर आपकी उम्र जीरो से पच्चीस साल के बीच में है तो आप ब्रह्मचर्य उम्र में हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आपकी उम्र छब्बीस से पचास वर्ष के बीच में है तो आप गृहस्थ हैं शास्त्रों के अनुसार और अगर आपकी उम्र इक्यावन से पिछहत्तर साल के बीच की है तो आप वन हैं है अनुसार और अगर छिहत्तर से सौ के बीच में आपकी उम्र है तो आपको सन्यासी हो जाना चाहिए ठीक पर ये तो सौ साल का आप सन्यास आश्रम है केस में ये तो सौ साल के जीवन का डिविजन है पर अगर हम आयु को नब्बे मान लें दस साल आयु के एवरेज वहां से कम कर दें तो हर क्वार्टर में हमें ढाई साल कम करने होंगे मतलब तेईस साल अमूमन बाईस तेईस साल ब्रह्मचर्य ठीक अमूमन पैतालीस छियालीस साल तक गृहस्थ समाप्त हो जाना चाहिए लगभग उनसत्तर साल तक वान प्रस्थ समाप्त हो जाना चाहिए और सत्तर साल के ऊपर संन्यास आश्रम में हमें प्रवेश करना चाहिए ऐसा शास्त्र कहते हैं कि हमारे मन में कामनाएं होनी चाहिए तो आप देखिए आप जिस भी उम्र में हैं क्या आप उस प्रकार की मनोदशा में आ चुके हैं थोड़ा समझते हैं ब्रह्मचर्य में कामना होनी चाहिए अर्थ लर्न स्किल टू लर्न आप सीखिए ताकि आप संसाधन जुटा सकें अपने जीवन के लिए तो शुरू के तेईस साल खूब सीखिए कामना ही सीखने की होनी चाहिए जितना आप सीख सकते हैं अर्थ फिर तेईस साल से लगभग छियालीस साल के बीच में काम काम का अर्थ है अब ये कामनाएं उन सारे संसाधनों को भोगने की होनी चाहिए जिन संसाधनों को अर्जित करने की आपने अपने अंदर क्षमता इकट्ठी कर ली अब आप उन्हें भोगिए और फिर संसाधनों को भोगने का मतलब दुनिया देखिए घूमने जाइए हर वो चीज करके देखिए जो सही है लीगल है और आपको करने का मन है फिर अगला वान प्रस्त जब आपकी आयु पैतालीस छियालीस साल हो चुकी इसके बाद अब धर्म पैतालीस छियालीस साल के बाद कामना होनी चाहिए धर्म डू समथिंग फॉर अदर्स मैंने छक के मेहनत की छक के भोग किया अब समय है मैं दुनिया के लिए कुछ करूंगा पैतालीस छियालीस साल की उम्र में लक्ष्य होना चाहिए नेचर को नरिश करूं दूसरों के लिए कुछ करूं समाज उत्थान में जुट जाऊं और फिर इसी प्रकार अपना जीवन आगे बढ़ाते हुए जब मैं करीबन उनसत्तर साल के करीब पहुंचू अड़सठ उनसत्तर साल के करीब अब एक ही उद्देश्य होना चाहिए कामना होनी चाहिए मोक्ष इस जगत की नश्वरता को ध्यान में रखकर बड़े आत्मानुभूति के उद्देश्य के लिए सोचना कि मैं खुद को पहचानू ये तो खत्म हो जाएगा तो ड्रामा है क्या मैं अपनी वर्ण अपने आश्रम के अनुरूप कामना कर रहा हूं हाथ खड़ा करें यदि आपकी कामनाएं आपके आश्रम के अनुरूप हैं हमने आपको आपकी आयु का भी बताया जल्दी हाथ खड़ा करें कितने लोग आश्रम अनुरूप जीवन व्यतीत कर रहे हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा एक्सीलेंट बहुत अच्छा ब्रह्मचर्य में ब्रह्म क्या है और ब्रह्म क्या है इसका अंतर क्लियर हो जाना चाहिए ब्रह्मचर्य में यह कामना क्लियर क्लियर हो जानी चाहिए ब्रह्मचर्य की कामना यह होनी चाहिए कि मुझे स्पष्ट हो कि पढ़ाई से स्कूल से टेक्निकल एजुकेशन से मुझे प्रोफेशनल सक्सेस मिले पर मुझे आध्यात्मिक प्रगति शास्त्रों से सत्संग से गुरु संगति से ही मिलेगी और उसी से शांति मिलेगी ये क्लैरिटी हो ब्रह्म क्या है और ब्रह्म क्या है ये जितना क्लियर हो जाए तेईस चौबीस साल तक बेहतर है पर आप देखिए शिक्षा जगत में ऐसी अभी कोई कामना नहीं है जबकि शास्त्र कहते हैं समय कामना होनी चाहिए फिर गृहस्थ में एक्सपेरिमेंट करके देखिए आपको क्लियर हो गया ये भ्रम है ये ब्रह्म है पर ये भी थियोरिटिकल क्लियर हुआ है आप ब्रह्मचर्य में अब एक्सपेरिमेंट करके देखिए गृहस्थ में देखिए और धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे बिल्कुल सच बात है भ्रम और ब्रह्म साफ साफ दिखने लगे कैसे जब रिश्ते टूटते हैं कैसे जब सौ मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता कैसे लोग उम्मीदों पे जब खरे नहीं उतरते कैसे जब विश्वास टूटते हैं ये सब चीजें हमें हिला देती हैं और समझाती हैं आसपास सब कुछ भ्रम है और फिर वन प्रस्त में ये जो लर्निंग हुई है एक्सपेरिमेंट की इसको जीना इंप्लीमेंट करें इंप्लीमेंट करके अब धीरे धीरे उससे विरक्ति आ जानी चाहिए अगर एक्सपेरिमेंट ढंग से किया है इस विरक्ति को जीना शुरू करें और संन्यास आश्रम में स्वयं विरक्ति रूप हो जाए इसको दूसरी तरह से समझाएं तो ब्रह्मचर्य श्रवण आश्रम है सुनिए जितना सीख सकते हैं जानिए अगर आप में से कोई तेईस साल की उम्र से नीचे है वो कितना सीख रहा है रोज उसको रोज रात को खुद से ये पूछना चाहिए आज मैंने क्या सीखा वॉट न्यू थिंग आई केम टू नो टूडे लगातार सीखने की ललक अगर कोई गृहस्थ आश्रम हो गया उसकी उम्र तेईस साल से छियालीस के बीच की भी हो तो यह समय रोज रात को उसको उसका समय है मनन का वो जितना श्रवण किया है ये मनन आश्रम है गृहस्थ आश्रम रोज रात को मनन कीजिए कितने आपके आसपास अनुभव हैं गृहस्थ आश्रम में मनन कीजिए ड्रामा क्या चल रहा है रोज रात को ये मनन करना चाहिए एक चीज पे जरूर रोज रात को मनन करना चाहिए कि एक ड्रामा क्या है बहुत तरह के ड्रामे चलते हैं हमारे आसपास कई बार अहंकार का ड्रामा चल रहा होता है ऑफिस में घरों में अहंकार का ड्रामा चल रहा होता है कई बार ताकत का ड्रामा चल रहा होता है बहुत तरह के ड्रामे हमारे आसपास चलते हैं कई बार कोई बुली कर रहा होता है हमें ये सब तरह के ड्रामे कई बार भावनात्मक क्षतियां न चाहते हुए हम एक दूसरे को देते हैं और हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें हम तो उसको दुख नहीं देना चाहते पर जिस तरह से हम जी रहे हैं उसको दुख हो रहा है हम क्या करें धीरे धीरे मनन करना चाहिए इससे मोह भंग होता है फिर आता है वान आश्रम अब जब मोह भंग हो गया है संग्रहस्त के दौरान तभी तो वान फलित हो गए अब निरिद्यासन करना है यह आश्रम पूरा ही निरिद्यासन का है जो भी सीखा है श्रवण किया है एक्सपेरिमेंट करे हैं मनन किया है अब उसको जीना शुरू करें, प्रैक्टिस करिए इंटरनलाइज की संन्यास आश्रम मुक्ति इस तरह से अलग अलग आश्रम हमें अलग अलग कामना करनी चाहिए ये जो वाजश्रवस के पुत, पुत्र हैं इन्होंने क्या कामना की इन्होंने मुक्ति की कामना की इन्होंने मुक्ति की कामना की तो संभवतः ये वानप्रस्त या संन्यास आश्रम में रहे थी? और इन्होंने मुक्ति की कामना से सर्वस्व धन दान कर दिया इनका नचिकेता नाम का एक पुत्र था आगे बात करेंगे अब ये जो पुत्र था ये अलौकिक पुत्र था विलक्षण पुत्र था ऐसे पुत्र बहुत कम देखने को मिलेंगे मंत्र दो देखिए अब इस पुत्र के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है मंत्र दो बताता है चलिए मंत्र दो सुनते हैं तो मंत्र दो उस पुत्र के मन में किस प्रकार के विचार आते हैं उसके बारे में हमें जानकारी देता है सो हियर कम्स परफेक्ट उशंवाजश्रवस तमह कुमारों संतन दक्षिणासु नियमाना सुश्रद्धा विवेश सो अमन्यत जब उस यज्ञ में दक्षिणा के लिए गाय ले जाई जा रही थी तब नचिकेता के भीतर जो अभी बच्चा ही था श्रद्धा का आवेश हो गया और उसने सोचा यह है मंत्र तो जब दक्षिणा के लिए गाय ले जाई जा रही थी तो उनको देखकर नचिकेता जो अभी बालक ही था उसमें श्रद्धा का आवेश हो गया और उसने सोचा उसने जो सोचा वो बड़ा कीमती है और वही हम आगे पढ़ेंगे उसने सोचा अगले मंत्र तीन में हम देख उ सम्ह कुमारों पीतोद का दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नाम तेलो का स्थान स उसने सोचा कि जो गायें जल पी चुकी हैं घास खा चुकी हैं जिनका दूध दुहा जा चुका है जो इंद्रिय विहीन हो रही हैं ऐसी गायों को दान देने वाला आनंद विहीन लोकों में जाता है चलिए अब एक एक शब्द को समझें क्योंकि यह बहुत कीमती मंत्र है और यह बहुत कुछ इंसानी जीवन के बारे में हमें बताता है वो बालक ही था लगभग नौ साल उसकी उम्र रही होगी जब गाय दक्षिणा के लिए ले जाई जा रही उनको देख के उसके मन में श्रद्धा ने प्रवेश किया और उसने विचारा उमन्यत उसने विचार किया मंत्र दो नौ वर्ष का बच्चा ने जब देखा कि इस तरह की कमजोर गाय लेके जा रही जा रही तो उसके मन में बहुत तरह की श्रद्धा आई उसने विचार किया कि जो इस प्रकार की गायों का दान करता इस प्रकार का दान करता है वो आनंद विहीन लोखों में जाता है किस प्रकार का दान मेरे पिताजी कर रहे हैं उस बच्चे ने सोचा ध्यान दीजिए नौ वर्ष उसकी उम्र है यहां पता लगता है कि उम्र पांच प्रकार की है एक होती है फिजिकल एज हम सबकी अलग अलग फिजिकल एज है उस अनुरूप प्यूबर्टी आती है शरीर की उम्र है हम सबकी शरीर की उम्र बिल्कुल अलग है। वो देखी जा सकती है आपके आधार कार्ड पर डली है दूसरी होती है मेंटल एज मेंटल एज क्या है आपकी भावनात्मक परिपक्वता आप कितने परिपक्व हैं क्या एकदम से भड़क जाते हैं या फिर आप शांत रहने की क्षमता रखते हैं आप रिएक्ट करते हैं या रेस्पॉन्स करते कई लोग हैं आप अपने आसपास अगर जानते हो तो बाहर खड़ा करके बताइएगा जिनकी शारीरिक उम्र तो पचास साल है पर मेंटल एज अभी भी टीन एज की है जितनी जल्दी लोग गुस्सा हो जाते हैं रिएक्टिव हो जाते हैं जैसे टीन एज एज तो कई बार फिजिकल एज अलग होती है मेंटल एज अलग होती ही है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने की क्षमता कई बार लोग पचास साल की उम्र में होते हैं पर उनको भावना नियंत्रण उनमें बड़ा कमजोर होता है चंचल मन को कंट्रोल नहीं कर पाते जैसे बच्चे का नहीं होता तो सबकी मेंटल एज अलग अलग है आप अपने घर में सब लोगों को देखिए सोचिए सबके बारे में फिजिकल एज आप सबकी जानते हैं जरा आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जिनकी फिजिकल एज ज्यादा है और मेंटल एज कम है अमेरिकन आर्मी का एक सर्वे किया गया और पाया गया अमेरिकन आर्मी के बहुत सारे लोग वो किसी भी आगे की उम्र के हो पर मेंटली वो बीस से तेईस साल की उम्र के ही थे उनकी मेंटल एज वही थी इमोशनल इंटेलिजेंस वही थी चलिए आप बताइए कि कितने लोग हैं आपके घर में आपके पर ऑफिस में आपके आसपास जरा सोचिए आप कितने लोगों के नाम आपको याद आ रहे हैं जिनकी फिजिकल एज तो ज्यादा है पर मेंटल एज अभी उतनी ज्यादा नहीं है उन्हें अभी भी गुस्सा वैसे ही आता है वो अभी भी वैसे ही भावनाओं हाँ को नियंत्रित नहीं रख पाते वो अभी भी वैसे जरा सी बात में निराश और जरा सी बात में प्रसन्न होता है ठीक आगे बढ़े अब है तीसरी एज सोशल एज सामाजिक एज सामाजिक एज क्या है हमारा एसक्यू सोशल क्वेश्चन हम लोगों से कनेक्ट कितनी जल्दी करते हैं कई लोगों का सोशल क्वेश्चन बहुत हाई होता है कई लोगों का लो होता है जिनका एसक्यू हाई होता है सोशल क्वेश्चन बहुत हाई हो तुरंत लोगों से कनेक्ट कर पाता है नेटवर्क उनका बन जाता है आप दोनों साथ में एक पार्टी में गए जिसका सोशल क्वेश्चन हाई हो तुरंत लोगों से मिल पहली बार ही मिल रहा है और पंद्रह मिनट बाद ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं कब से जानते हैं दूसरे को और जिसका सोशल क्वेश्चन वो किसी से बात करने के लिए इनिशिएटिव नहीं लेगा कई बार अंतर्व्यक्तिक संबंधों में उसको समस्या हो सकती है आपस में समन्वय स्थापित करने में समस्या होती है सोशल एज भी हो फिर चौथी होती है अपने आसपास के लोगों को देखिए आपको क्या लगता है आपकी फिजिकल एज और आपकी सोशल एज क्या आपकी फिजिकल एज और आपकी सोशल एज बिल्कुल अनुरूप है या फिर आपको यह लगता है कि आपकी सोशल एज अभी भी बड़ी नहीं अभी भी लोगों से समन्वय स्थापित करने में आपको थोड़ी समस्या आती है आगे बढ़े इंटेलेक्चुअल एज बौद्धिक एज चौथी कंसेप्ट फॉर्मेशन कोई आईक्यू जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन कोई बात आपको समझाई जाती है आप कितनी जल्दी समझ जाते हैं कितनी जल्दी आप उसके कंसेप्ट को निकाल लेते हैं कितनी जल्दी आप मूल बात को समझते हैं कितनी जल्दी आप अलग अलग जानकारियों को आपस में कनेक्ट करके एक बिगर पिक्चर ड्रॉ कर पाते हैं ये इंटेलेक्चुअल एज आपकी इंटेलेक्चुअल एज कैसी है? कई बार ये भी देखा जाता है बच्चे की उम्र छोटी होती है पर उसका आई क्यू बहुत तेज होता है उसको मैथ्स की प्रॉब्लम दीजिए वो अलग अलग चीजों को खट से कनेक्ट करके दिखा सकता है आई क्यू अलग विषय है दो लोग एक छत एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं पर दोनों का आई क्यू बिल्कुल अलग हो सकता है एक व्यक्ति तुरंत बात को समझता है उसमें कंसेप्ट जान लेता है दूसरे को समय लगता है और पांचवा इज स्पिरिचुअल एज आध्यात्मिक उम्र उसकी स्पिरिचुअल वो बेबी सोल है कि इवॉल्व सोल है वो बेबी सोल है कि डिवाइन सोल है हो सकता है आप एक छत के नीचे जिसके साथ रहते हो वो व्यक्ति आपसे उम्र में बहुत ज्यादा हो पर सोल एज उसकी जो सोल इवोल्यूशन है वो आपसे बहुत कम हो कई बार छोटे छोटे बच्चे भी ऐसी बातें करते हैं कि आप कुछ चकित हो जाते हैं सोच में पड़ जाते हैं कई बच्चे जिनका स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत हाई होता है वो बड़े मर्म स्पर्शी बात कह पाते हैं के बारे में कहते थे तो बच्चा ही पैदा हुआ है इतना वो तो बुजुर्ग ही पैदा हुआ सॉरी वो तो जब बच्चा था तभी बुजुर्ग था उसने कभी मूर्खतापूर्ण बात ही नहीं की श्री राम इतनी कम उम्र में उनके मन में ऐसा गहरा वैराग्य आया उनकी स्पिरिचुअल एज बहुत ज्यादा थी वशिष्ठ ऋषि को उनको सिखाना पड़ा और वही योग वशिष्ठ कह रहा आदि शंकर इतने छोटे आठ नौ वर्ष की आयु में संन्यास लेना चाहते गुरु नानक को पिताजी ने थोड़े से पैसे दिए कि जाके कुछ सीख बिजनेस करना सीख वो पूरे बीस रुपए संतों की सेवा में देके आ गए पिताजी ने हाथ उठा दिया नानक जी कि ये खराब सौदा कर रहा है जबकि उससे सच्चा और उससे खराब सौदा क्या हो सकता रामकृष्ण परमंश के बचपन से ही उनका मन यही था गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी ने जब उनसे पूछा कि कश्मीरियों की सेवा के लिए कश्मीरियों की रक्षा के लिए किसी एक योग्य पुरुष के बलिदान की आवश्यकता है छोटे से बालक ने मासूमियत में कहा यही तो उनकी भी उम्र थी नौ वर्ष के करीब कि पिताजी यदि बलिदान की बात है तो आपसे श्रेष्ठ कौन हो सकता प्रहलाद हो या कोई भी हो ये वो बच्चे हैं बचपन से इनमें इनकी स्पिरिचुअल एज बहुत ज्यादा थी तो नचिकेता का केवल शरीर बालक आध्यात्मिक उम्र तो उसकी उसके पिताजी से बहुत ज्यादा थी अगर आप आध्यात्मिक उम्र से देखें तो शायद वो अपने पिताजी का परदादा जी होता उसको अगर आप उम्र मान पर उसकी उम्र नौ साल दिखती है पिताजी पचास साल के ऊपर के हैं तो वो बालक ही था पर ये अलग अलग एज है पांच ये जो पांचों एज है इसके कारण पांच प्रकार के जनरेशन गैप होते हैं एक जनरेशन गैप फिजिकल एज के कारण होता है आप अपने घरों में देख रहे हैं आपका बेटा टीन एज में है आपकी बेटी टीन एज में है आप फोर्टीज में है अपने एंड आप देखेंगे गैप है समझ का सोच का कितने लोग जनरेशन गैप को देख रहे हैं फिजिकल जनरेशन गैप या देखा है एक सोच का बड़ा गैप दिखाई देता है वो जैसे सोचते हैं हम जैसे सोचते हैं उनकी जो प्राथमिकता है हमारी जो प्राथमिकता है उनको जैसे रिजल्ट चाहिए हमें जैसे रिजल्ट चाहिए गैप इसको कहते हैं फिजिकल जनरेशन गैप फिर एक मेंटल जनरेशनल गैप भी होता है मेंटल गैप का मतलब आप जिसके साथ रहते हैं अब आपको अभी आप बड़े भावनात्मक रूप से परिपक्व हैं पर जो आपका साथी है उस जरा जरा सी बात में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जरा जरा सी बात में इतना परेशान हो जाता है कि उसे माइग्रेन शुरू हो जाए यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता है आप कुछ भी बोलने से पहले शायद बहुत सोच के संयमित रूप से अपने शब्दों को रखेंगे भावनाओं को नियंत्रित करके दूसरा नहीं रख पाएगा तो कई बार मेंटल जनरेशन गैप भी होता है बिल्कुल दोनों एक आयु के पर जब आप बात करेंगे तो आपको पता लगेगा मेंटल जनरेशन गैप फिर तीसरा सोशल जनरेशन गैप भी होता है एक व्यक्ति बहुत इंट्रोवर्ट है एक व्यक्ति बहुत एक्सट्रोवर्ट है दोनों की उम्र एक ही है दोनों की उम्र एक ही है पर इस व्यक्ति को यहां तक आने में बहुत समय लगेगा यह तुरंत सबसे कनेक्ट कर लेता है इसके मन में डर नहीं है दूसरे के मन में प्रक, पचास प्रकार की आशंकाएं होती है इस कारण वो कनेक्ट नहीं कर पाता लोगों से तो उम्र सेम है पर सोशल जनरेशनल गैप है कई बार ये गैप बहुत बड़ा हो जाता है रिश्तों पे इसका असर डालने लगता है एक व्यक्ति बहुत सोशल है एक व्यक्ति बिल्कुल इंट्रोवर्ट है दोनों दो अपने अपनी पर्सनालिटी है पर साथ में रहने में मुश्किल होना चालू होती प्राथमिकताएं बदलती फिर इंटेलेक्चुअल जनरेशन गैप भी होता है तो कई लोगों को किक नहीं मिलता रिलेशनशिप में वो बिल्कुल वो इंटेलेक्चुअल टॉक नहीं कर पाते तो एक हम कहीं देख रहे थे कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कहा सीरियसली कहा कि मैं भी है ना इतना पागल हूं कि कई बार मोबाइल की टॉर्च से ही मोबाइल ढूंढने लगा आज सुबह क्या हुआ कि मैं कमरे में गया वहां पूरा अंदर अंधेरा था तो मुझे मोबाइल दिख नहीं रहा था तो मैंने मोबाइल की टॉर्च उठा के मोबाइल ढूंढना चालू कर दिया मैं भी कितना पागल हूं तो पत्नी ने बड़े गंभीर होकर कहा तो फिर मिला क्या तुम्हें मोबाइल सो द पॉइंट इज कि कई बार आपको वो किक नहीं मिलता ये गैप लोग महसूस करते हैं कई बार स्पिरिचुअल एज में गैप कोई बात हुई एक व्यक्ति माफ करने को तैयार नहीं है दूसरा व्यक्ति हर चीज को माफ करने को तैयार कोई बात हुई एक व्यक्ति जरा जरा सी बात पे घोषित करना चाहता दूसरा व्यक्ति किसी के पीठ पीछे कुछ बोलना ही नहीं चाहता किसी भी स्थिति में एक व्यक्ति बहुत टची है और दूसरे लेट इन, लेट गो, लेट गो। तो इस तरह से आप देखेंगे पांच तरह के जनरेशन क्या है तो यहां अगर आप देखें तो नचिकेता और उसके पिताजी में सारे गैप आपको दिखेंगे फिजिकल जनरेशनल गैप है अभी आप पढ़िए मेंटल भी थोड़ा जनरेशनल गैप प्रतीत होता है स्पिरिचुअल जनरेशनल गैप तो हंड्रेड परसेंट है सोशल और इंटेलेक्चुअल हमें ज्यादा अभी इस, शास्त्र में समझ में नहीं आता पर ये तीन तो दिख रहे हैं फिजिकल जनरेशनल गैप मेंटल जनरेशनल गैप एंड स्पिरिचुअल जनरेशनल गैप तो नचिकेता और उसके पिताजी में स्पिरिचुअल जनरेशनल गैप था पर दिख क्या रहा है फिजिकल जनरेशनल गैप इसीलिए क्या अभी वह बालक ही था और उसे बालक मत समझने की भूल कीजिएगा जब आप इस शास्त्र को पढ़ना शुरू करें और वैसे भी वो आपका कोई मौका नहीं देगा कि आप उसे बालक समझें जब आप उसकी बातें सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई ऑर्डिनरी बालक नहीं है तो बालक ही था बच्चा ही था और जिस प्रकार गाय ले जा रही ले जाई जा रही थी यज्ञ में दान देने के लिए उसके मन में श्रद्धा ने प्रवेश किया और गाय किस प्रकार की देखियो कैसे उल्लेख कर रहा है गायों का पितोद जो अंतिम पानी पी चुकी है मतलब ये जो पानी अभी पी के आ रही है इसके बाद अब नहीं पीने वाली पानी जग्ध हो, अंतिम त्रण भी जग्ध त्रणा सॉरी अंतिम त्रण भी खा चुकी वो आखिरी घास भी खा चुकी दुग्ध दोहा, जिन गायों का सारा दूध भी धुला दोहा जा चुका हो निरिंद्रिया बिल्कुल शिथिल बूढ़ी हड्डियां दिख रही हैं, अभी गिरी कि तब गिरी ऐसी गायों का पिताजी दाग यज्ञ में तो बच्चे ने विचार किया ये क्या चल रहा है विचार करना स्वाभाविक भी था जरा देखिए पिताजी यज्ञ जो कर रहे थे मोक्ष प्राप्ति के लिए उस यज्ञ का नाम था विश्वजीत यज्ञ अब ये बताइए विश्वजीत के किसको मोक्ष मिला है न सिकंदर को मिला ना नपोलियन को मिला ना हिटलर को मिला ना अशोका को ही मिला दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा विश्वजीत यज्ञ में ही तो लगा हुआ है विश्वजीत यज्ञ जैसे हमने पहले कहा यह ब्रह्मचर्य आश्रम में समझ में आ जाना चाहिए कि जो मैं विश्वजीत यज्ञ में लगा हूं इससे प्रोस्पेरिटी प्रेस्टीज पोजिशन और पावर पक्का मिलेगी पर पीस हैप्पीनेस और लिबरेशन का इसका कोई लेना देना नहीं कैटेगरी so मिस्टेक वो चाह रहा है मोक्ष और यज्ञ कर रहा है विश्वजीत पिताजी को यज्ञ करना चाहिए था आत्मजीत ताकि अहंकार की हार हो पर एक तो यज्ञ गलत कर रहे हैं पहली समस्या ठीक बच्चा इतना गहरा देख पा रहा है और दूसरा उस यज्ञ में आहुति क्या दे रहा है उसमें दक्षिणा में क्या दे रहा है यूजलेस आहुति दे रहा है दिखावे का दान कर रहा है दिखावे की दान दक्षिणा का वास्तविक मोक्ष से कोई लेना देना वैसे ही नहीं है दान दक्षिणा ऋण चुकाने के भाव से की जानी चाहिए हम पे ऋण है पूरी सृष्टि का इसीलिए हम चुकाते हैं कृतज्ञता के भाव से होनी चाहिए पर पिताजी क्या दे क्या दे रहे हैं ऐसी गाय जो अभी खत्म हो जाने वाली बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो ये दिखाने के प्रयास उसको लगे ये तो दिखावा ही है यदि हमारे प्रयासों में बेईमानी है दिखावा है तो मोक्ष छोड़िए जीवन की कोई सार्थक व्यक्त वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो सकती कहीं भी किसी भी क्षेत्र में इसीलिए नचिकेता कह रहा है ऐसा दान करने वाला आनंद रहित लोगों में जाता है उसको कोई आनंद नहीं मिलने वाला जीवन में कुछ नहीं मिलेगा इसी यज्ञ से आप सोचिए इतनी सूझबूझ इंडिकेट कर रहा है कि आपने रास्ता भी गलत चुना है और वहीकल भी गलत चुना है एक तो विश्वजीत यज्ञ से मोक्ष चाह रहे हैं और दूसरा ऐसी कमजोर गाय दान कर रहे हैं यज्ञ भी आपका गलत है और आपका दान और दक्षिणा भी गलत है देखिए दान और दक्षिणा में अंतर है दान देने वाले की इच्छा दक्षिणा लेने वाले का अधिकार है दक्षिणा दाता का कर्तव्य है तो यज्ञ में हम दक्षिणा भी देते हैं और फिर अगर मन बड़ा प्रसन्न हो यज्ञ में हम दक्षिणा देते हैं लिए सामने वाले जो भी हमें समय दिया ऊर्जा दी उसने जो भी हमें सिखाया जीवन में किसी भी प्रकार का मदद की हमें तो हम उसे दक्षिणा देते हैं आपके समय के लिए आपके मार्गदर्शन के लिए आपकी मदद के लिए आपके ज्ञान के लिए आपके सहयोग के लिए ये हम आपको एवज में दे रहे हैं तो ये तो देने वाले का कर्तव्य है देना ही चाहिए नहीं तो कार्मिक बॉन्ड्स कार्मिक अकाउंट्स अटकते हैं हम फिर आते हैं वो चुकाने के लिए पर हां अगर आपको लगा है कि आप अंदर तक भर गए हैं ऐसे प्रसन्न हो गए अभिभूत हैं तब आप दान देना चाहे आप दे पर जो भी दे भगवान कृष्ण भगवत गीता में अध्याय सत्रह श्लोक ग्यारह बारह तेरह में कहते हैं सात्विक यज्ञ होता है राजसिक यज्ञ होता है और तामसिक यज्ञ होता है पूरा जीवन ही यज्ञ है हर कर्म जो हम करते हैं डेडिकेटेड एक्टिविटी विद द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस इज यज्ञ कोई भी काम जब आप डेडिकेशन से करते हैं और उसमें समर्पण करते हैं तो क्या है यज्ञ है डेडिकेशन हो समर्पण पूरा झोंकते दे ठीक तो डेडिकेटेड एक्टिविटी विद द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस सात्विक यज्ञ क्या है, तो है? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं शास्त्रोचित होना चाहिए विधि दृष्ट अष्टव्यम कर्तव्य स्वरूप करना चाहिए और तीसरा अफल आकांक्षा डिजायर लेस ये तो सात्विक यज्ञ है कोई भी काम अगर आप ऐसा करते हैं जो शास्त्रों के लिए उचित है आप कर्तव्य समझ के कर रहे हैं और उससे आपको कुछ मिलेगा इसकी जरा भी आपके मन में इच्छा अब जो कर्म आप कर रहे हैं वो सात्विक यज्ञ है ये तीन क्वालिटी है गीता और जानना है गीता सेशन थर्टी सेवन सुनी है तीनों प्रकार के यज्ञों पे चर्चा है राजसिक यज्ञ क्या होता है हर वो कर्म दंभार्थम शो ऑफ के लिए कर जो आप दिखावा कर रहे हैं देख रहे इसीलिए नचिकेता डिस्टर्ब शास्त्र से याद आए ब्रह्मचर्य आश्रम में ढंग से पढ़ा था उसने शो ऑफ के लिए जो कर रहा है फल अपी अभी संधा है और कुछ फल की प्राप्ति के लिए तो राजसिक यज्ञ क्या है शास्त्रोचित ये भी होता है सात्विक भी होता है मतलब सही काम के लिए होना चाहिए किसी को दुख देने के लिए नहीं है ये ठीक है तो सात्विक और राजसिक दोनों सही कार्य के लिए शास्त्रोचित है पर अंतर क्या है सात्विक कर्तव्य स्वम्भ स्वरूप करते, करते हैं राजसिक शो ऑफ के लिए करते हैं जो भी काम आप शो ऑफ के लिए कर रहे हैं आपने किया दस लोगों को आपने बताया ये राजसिक हो गया यज्ञान अफल आकांक्षा डिजायर लेस कर रहे हैं तो सात्विक और डिजायर के साथ करें तो राजसिक तो आप समझ पा रहे हैं कि जो यज्ञ कर रहे हैं पिता उसमें आपको राजसिक यज्ञ की सुगंध आ रही है। ठीक और तामसिक यज्ञ क्या होता है विधिहीनम गलत उद्देश्य से जो आप कर रहे हैं मंत्रहीनम बेमन से कर दिया है अब बिठा ही लिया है करना ही पड़ेगा सब देख रहे हैं अच्छा नहीं लगता चलो कर देते हैं कुछ इस प्रकार का अगर कोई आप दान कर रहे हैं तो ये तामसिक हो जाए बेमन से गया जी में पितरों का तर्पण होता है वहां कहा जाता है कई लोगों को चलिए कुछ ध्यान दान करें आप कुछ त्याग करें अपना अब एक व्यक्ति सोचता है यार मैं करेले तो वैसे ही नहीं खाता चलो करेले का त्याग कर दू अब ये बेमन से किया हुआ त्याग है इसकी कोई वैल्यू थोड़ी ये तामसिक त्याग है आप तो वैसे ही नहीं खाने वाले थे दक्षिणम बिना दक्षिणा से अगर आपको कुछ मिला है और आपने उसके बदले में कुछ नहीं दिया तो ये तामसिक हो जाएगा दक्षिणा देना महत्व कार्मिक अकाउंट ना बचते हैं श्रद्धा विहरतम श्रद्धा नहीं है आपकी उस चीज में अब मम्मी पापा ने बोला है तो चले गए मंदिर में मम्मी पापा ने बोला है तो ये काम कर लिया तो ये यज्ञ ये जो भी कार्य है कार्य मतलब यज्ञ ये तामसिक यज्ञ अस्वस्थ अन्नम जिससे किसी की मदद ना हो आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसी की मदद नहीं हो रही वो गाय कैसी दान दे रहे हैं वो अभी मर जाएंगी शायद रास्ते में ही नहीं पहुंच पाएंगे तो अब आप समझ पा रहे हैं कि जो पिताजी का यज्ञ हो रहा है उसमें राजसिक और तामसिक यज्ञ होने की बू है इसीलिए बेटा चौक उठा उसको लगा ये कैसे कर पा रहे हैं ये तो गलत है ना केवल यज्ञ की बात उसको फिर से याद आया श्रद्धा जागृत हुई उसके बाद कि दान भी तो गलत कर रहे हैं पिताजी यज्ञ का पैटर्न भी गलत है तीन तरह के यज्ञ होते हैं सात्विक दान तो दान भी तीन तरह के होते हैं गीता अध्याय सत्रह श्लोक बीस इक्कीस बाईस तीनों तरह के दान पे भगवान बात करते हैं सात्विक दान राजसिक दान और तामसिक दान जब भी आप किसी को कुछ दे रहे हैं यज्ञ तो कर्म हो गया दान मतलब दे रहे हैं जब भी आप किसी को कुछ भी दे रहे हैं स्वेच्छा से दान स्वेच्छा ही है दक्षिणा कर्तव्य है तो अगर सात्विक दान है वो देखिए आपने कभी लास्ट टाइम जब भी किसी को कुछ भी दिया सुनते जाइए अगर वो सात्विक दान है तो आपने कर्तव्य समझ समझ के दिया था ये मेरा कर्तव्य है उसने लिया तो आपने खुद को अनुग्रहित महसूस किया कि उसने मौका कि उसने ले लिया अगर ये हुआ था तो ये सात्विक देश काल परिस्थिति के अनुरूप हो वो ऐसा हो जिसका उस जगह अभाव हो एक आदमी है जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है संसाधनों की अनंत संसाधन है उसे चाहिए ही नहीं संसाधन आप थोड़े और दे आए वो दीजिए जिसकी उसको आवश्यकता है सुपात्र उस चीज के लिए सुपात्र होना चाहिए और चौथा और अंतिम अन अन उपकारिणे वो आपका उपका आपका दान कभी लौटाने की स्थिति में भी ना हो वो ऐसी स्थिति में ना हो जो कभी आपको फायदा पहुंचा सकता हो किसी भी तरह ऐसा जब आप दान कर रहे हो वो सात्विक दान आपको कोई फायदे की चाह नहीं है जरा भी नहीं और ना वो व्यक्ति उस स्थिति में है कि आपको किसी प्रकार का फायदा राजसिक दान क्लेश पूर्वक रिलक्टेंटली नियम है अब कई कंपनी सीएसआर फंड को क्लेश पूर्वक देती अब क्या करें फंस गए सरकारी नियम इतना तो देना ही पड़ेगा क्या करें कई लोग एनजीओ उसको दान क्लेश में देते हैं कि चलो यार अब वो क्या करें अब इनकम टैक्स रिबेट के लिए करना ही पड़ेगा चलो इनको दे देते हैं ये राजसिक दान है ठीक प्रति अपकार के प्रयोजन से कुछ मुझे भी मिल जाएगा इस बहा में पेपर में फोटो आ जाए इनकम टैक्स रिबेट मिल जाए अगर ये विचार है इसीलिए दी जा रही है तो ये राजसिक है फलम उद्देश्य पुत्र पुनः ठीक लुकिंग फॉर फ्रूट कुछ फ्रूट मिले मान हो बढ़ाई हो प्रतिष्ठा मिले स्वर्ग मिले यो, यो, मेरी रोग निवृत्ति हो ये सब राजसिक है किसी की तबियत खराब हुई मैंने दान दिया उसके नाम पे इस तामसिक दान क्या है असत्तम बिना सम्मान अगर आप किसी को तो ये तामसिक दान अवज्ञातम तिरस्कार पूर्वक अगर आप दे रहे हैं दान है अनवर्दी को दे रहे हैं अपात्रहतेभ्य दिए ऐसा कोई व्यक्ति जो पात्र ना हो आप उसको दे रहे हैं अयोग्य देश काले ऐसी चीज दे रहे हैं जिसकी उसको जरूरत ही नहीं। तो यह चीज है दान आपका गलत हो जाए अब नचिकेता बड़ा कंफ्यूज है उसको ये लग रहा है यार पिताजी ने तो ये सारे शास्त्र पढ़ रखे ना तो उनका यज्ञ सात्विक है ना उनका दान सात्विक है ये देख के उसके अंदर श्रद्धा में प्रवेश कर श्रद्धा अनिवार्य है विवेक चूड़ामणी में शंकराचार्य विवेक चूड़ामी ट्वेंटी फाइव में श्रद्धा की परिभाषा कहते हैं क्या है श्रद्धा शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धि आवरण सा श्रद्धा कथिता सदर वस्तु शास्त्र तथा गुरु के उपदेश में वह सत्यत्व बुद्धि श्रद्धा कहलाती है जिससे तत्व ज्ञान होता है तो श्रद्धा विवेक चूर्णमणि में उल्लेखित है और अधिकारत्वम मोक्ष के लिए एक अनिवार्य अनिवार्यता है कि आप में श्रद्धा होनी चाहिए इन समथिंग विच इज हायर अगर आपको कुछ हायर लगता ही नहीं तो जगत ही सही है चलने लीजिए तो फिर उसने विचारा उसके मन में श्रद्धा आई क्योंकि वो मोक्ष का अधिकारी बालक है उसके मन में ऐसे प्रश्न ना तो यज्ञ ठीक चल रहा है ना तप ठीक चल रहा है उसने विचार अमन्य था और कहा अब उसने विचार का मतलब जरा सोचिए नौ साल की उम्र है हमने आपको कहा था मनन कहना है गृहस्थ का देखा जाए तो ऑलमोस्ट वो गृहस्थ क्रॉस कर ही चुका है मनन कर रहा है और वैराग्य की बातें कर रहा है मतलब नौ साल में उसकी उम्र पैंतालीस साल की है शायद वन प्रस्त के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है मतलब पांच गुना ज्यादा है वो अपनी आयु से कम से कम स्पिर मानो चार साल में पांच साल में ब्रह्मचर्य कवर कर लिया हो चार पांच साल में गृहस्थ कवर कर लिया हो और अब वान प्रस्थ पर दस्तक दे रहा है नौ साल की उम्र में बालक मन शुद्ध मनन करता और सबसे आधार जैसे हमने बताया गुरु गोविंद सिंह जी ने तो अपने पिताजी को कह दिया पिताजी अगर योग्य व्यक्ति को बलिदान देना है तो आपसे योग्य कौन हो सकता है सच बोलते हैं बच्चे अब पिता को सब कुछ दान देते देखकर उसने पिताजी से कहा अब आगे बढ़ते हैं उसने पिताजी को कहा कि ये इससे कोई आनंद नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलना आपको ना इस लोक में ना उस लोक में अब जरा सोचिए पचास साल के ऊपर के पिताजी सबके सामने संभवता या अकेले में ही बच्चा टोक रहा है पिताजी को बड़ा बुरा लगा बड़ा गुस्सा आया पिताजी को क्योंकि पिता और पुत्र का एक अलग रिश्ता होता है पिता और पुत्र के रिश्ते में गरिमा बननी और बनाए रखी रख जाना बड़ी महत्वपूर्ण है तो जैसे ही बच्चे ने कहा तो पिता को बड़ा क्रोध आया नचिकेता पिताजी ने ध्यान ही नहीं दिया उसकी बात नचिकेता ने फिर से कहा पिताजी मैं कह रहा हूं इससे कुछ नहीं होने वाला पिताजी ने फिर इग्नोर कर दिया पर नचिकेता पिताजी का हित ही चाहता था फिर से सामने आके खड़ा हो गया बोला पिताजी ये जो गाय है ये अभी मर जाएंगी आपका ना तो यज्ञ सात्विक है ना आपका तप सात्विक है ना आप यज्ञ सही कर रहे हैं विश्वजीत से मोक्ष नहीं मिलता ये सारी बातें उसने पिताजी के सामने कह दी पिताजी ने इतना आयोजन किया और नचीत के ताने कहा यह सब फालतू का इससे कुछ नहीं मिलने वाला अब जरा सोचिए कितना चोटिल हुआ होगा पिता का अहंकार ये सुन के पिता पुत्र का एक अलग रिश्ता होता गरिमा का जैसे हमने कहा तो जैसे ही उसने कहा इस तरह से तो पिताजी को तो रोष आया क्रोध आया तो पिताजी ने कहा अच्छा ठीक है तो मैं क्या करूं नचिकेता ने कहा ऐसी वस्तु दीजिए जो आपको प्रिय हो ऐसी जैसा स्वाहा होगा पिताजी वैसा तथास्तु होगा अच्छी चीज दीजिए जो देने में आपकी आनंद आपको आनंद की अनुभूति हो जो, जो आपको कोई दे तो आपको बहुत प्रसन्नता हो ऐसी कोई चीज में दीजिए जो आपको प्रिय हो कितनी सही बात हो कह रहा है आप जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो गिफ्ट मत दीजिए जो आपके पास किसी उपयोग का नहीं है प्रयास कीजिए अगर संभव है तो वो दीजिए जो उसके किसी उपयोग का हो तो पिताजी ने कहा जब तीन चार बार बोल दिया तो पिताजी चिढ़ गए और नचिकेता ने फिर पूछता रहा तो पिताजी ने कहा ऐसे तो तू मुझे सबसे ज्यादा प्रिय तो क्या मैं तुझे दे दू उठा के छोटा सा बालक मुस्कुरा के कहा कि हाँ पिताजी आप मुझे दे दीजिए मानो शायद वही बालक बाद में गुरु गोविंद सिंह बन के आया हो क्यों जाने हाँ मुझे दे दीजिए वही बालपन वही परिपक्वता में। हां पिताजी मुझे दे दीजिए जब बच्चे ने कहा मुझे दान कर दीजिए पिताजी अब तो पिताजी का अहंकार बहुत चोटिल हो चुका था एकदम से पिताजी ने बोला तो चुप रहे बच्चे ने फिर कहा मुझे किसको दान देंगे पिताजी सिंसियरली उसने पूछा किसको आप मुझे दान देंगे बच्चा गंभीर हो गया सही दान दे रहे हो पिताजी सात्विक यज्ञ हो जाएगा पिता का यज्ञ इसी पल सात्विक हो जाएगा कितनी सारी कहानियों में ये उल्लेख आया है कि जो आपका सबसे प्रिय है अगर वो भी आप निछावर कर सकते हैं परमात्मा के रास्ते पे सही के रास्ते पे तो आप सात्विक गुरु गोविंद सिंह ने जब तलवार उठाई थी खालसा के लिए तो पूछा था कौन अपने प्राण दे सकता है अपने प्राणों से प्रिय हो क्या सकता है तभी तो खालसा की स्थापना हुई जो प्राण दे सकते हैं तो उसने कहा मुझे किसको देंगे आप पिताजी ने एकदम से चिड़ के कहा जा मैं तुझे मृत्यु को दे जा मर जा, जा जैसे कहते नहीं चिड़ के। तो पिताजी ने कहा जा मैं तुझे मृत्यु को दान दे और बस इसी शब्द से जैसे ही पिताजी ने यह कहा सब कुछ बदल गया वहां से शुरुआत हुई इस महान ग्रंथ की। सहोवाच च पितरं तत कस्म दास्यसी द्वितीय तृतीय तन होवाच मृत्यवे ददामीति। उसने पिताजी से कहा हे पिता आप मुझे किसको देंगे मंत्र चार दूसरी और पुनः तीसरी बार जब उसने पूछा तो पिताजी ने प्रत्युत्तर में कहा मैं तुझे मृत्यु को देता बस इस मंत्र से सब कुछ बदल गया इस शब्द ने सब कुछ बदल के रख दिया और यही मंत्र है जो कठोपनिषद का आधार मंत्र बनता है मृत्यु त्वाम ददामी मृत्यु को देता हूं जिस पल मैं अपने अहंकार को मृत्यु को दे दू मेरे अंदर जो कुछ मर सकता है वो सब मैं मृत्यु को दे दूं बस वही तो मोक्ष है क्या है मोक्ष मेरे अंदर जो कुछ अनित्य है वो मृत्यु को मैंने दे दिया जो बचा है वो नित्य है जो मर सकता है इसी पल मर जाए और वही बचे जो कभी ना मरेगा वही तो मोक्ष है तो पिता ने कह दिया मृतवे त्वाम ददामी मानो आकाशवाणी हो गई मानो इसी पल का इंतजार उसके अंदर का वो मैच्योर सोल वो डिवाइन सोल कर रही थी पिता और पुत्र के संबंधों की कई कहानियां पिता और पुत्र के संबंध हमेशा नोकझोंक वाले रहे जहां श्री राम ने अपने पिता दशरथ के लिए चौदह साल के वनवास को गले लगाया पिता का दिया हुआ वरदान पिता पिता के दिए हुए वचन के लिए चौदह साल जीवन ने छावर कर दिया कहा परशुराम जैसे पुत्र जिनने अपने पिता जन्मदग्नि के कहने पर उनके आदेश पे स्वयं अपनी माता की तक हत्या कर दी ऐसा पिता पितापरायण और जब पिता ने कहा कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं ऐसे पुत्र असंभव है होना तो वरदान मांग क्या मांगता हो तो बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए माता के ही जीवन को पुनः वरदान में मांग लिया जहां ययाति जैसे पिता को जब श्राप मिला कि वो पौरुषहीन और वृद्ध हो जाएंगे तब उनके पुत्र पुरु ने पिता का श्राप अपने ऊपर ले लिया अपनी उम्र को खत्म कर दिया अपने पुरुषत्व को पौरुषता को खत्म कर दिया एक तरफ भीष्म होते हैं जो अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं अपनी पिता पिता के लिए और भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं शांतुओं के मन की प्रसन्नता के लिए तो भले राम हो परशुराम हो पुरु हो या भीष्म के लिए बलिदान दिए पर हमने कहा पिता पुत्र के रिश्ते बड़े अजीब होते हैं नोकझोंक से भरे होते हैं जब जब पिता पुत्र में अहंकार का टकराव होता है तो रास्ता कहीं और जाता है जैसे कहोड़ ऋषि जब मंत्रोच्चार कर रहे थे अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे तो अष्टावक्र तो मां के गर्भ में था इतना इंटेलिजेंट बच्चा वो गर्भ से ही मंत्र को सुन के अंदर से बोल उठा पापा प्रोनाउंसिएशन गलत है आपका अब जैसे ही अंदर से गर्भ से आवाज आई पापा प्रोनाउंसिएशन गलत है आप तीन चार बार अष्टावक्र ने गर्भ से ही टोक दिया नचिकेता तो चलिए बाहर निकल के टोक रहा था पिता को तो क्रोध में आके पिता ने कहा पिता का अहंकार पे चोट लग गई पिता ने क्रोध में कहा जिस तरह से तेरी बुद्धि वक्र है तू तो अपने आप को इतना होशियार समझता है अभी पैदा नहीं हुआ मुझे सिखा रहा है इन्हें जा तू तो आठ जगह से वक्र हो जाएगा अष्टा वक्र इसीलिए हो, हो गया कहा पिता हिरण्या का शब्द खुद को भगवान मानते थे पर पुत्र प्रहलाद की स्पिरिचुअल एज बहुत ज्यादा थी उन्होंने विष्णु को भगवान डिक्लेयर किया और हिरण्य कश्यप पिता पुत्र कॉन्फ्लिक्ट हो गया इसी तरह भी पिता ने नचिकेता को यम के पास भेज दिया कितने सारे आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते भारत का इतिहास इसका गवाह है कैसे शुद्धोदन जो बुद्ध के पिता थे कभी राजी नहीं हुए इस बात से कि बुद्ध अब साम्राज्य छोड़ के संन्यास चले जाएंगे कैसे आजाद शत्रु जैसे राजा ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करवा दी क्योंकि उसको शक्ति चाहिए थी सत्ता चाहिए थी कैसे जहांगीर जब अकबर अपनी अंतिम सांसे गिन रहा था पास में बैठ के इंतजार कर रहा था कि ये कब इस दुनिया से विदा हो और सारा साम्राज्य सल्तनत गुजर कैसे गांधी जी भी मुश्किल में ही रहे अपने पुत्र हरिलाल की परवरिश को लेकर कैसे वो ड्रग लेने लगे हरिलाल और पिता इतने दुखी रहे उस बात को लेकर अभी आपने पढ़ा विजयपत सिंघानिया और उनके पुत्र गौतम सिंघानिया कितनी बार विजयपत सिंघानिया जी ने प्रेस में पब्लिकली बताया कि वो कितने दुखी हैं अपने पुत्र से तो पिता पुत्र संबंध हमेशा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इस समाज के लिए भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी उस बच्चे के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके संबंध पिता से बहुत अच्छे हो जैसे बच्चा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप में से कोई बता सकता है ये बच्चा कौन है लिखिए इसका नाम शायद आप में से कुछ लोग क्योंकि एक बार बहुत साल पहले हमने इस बच्चे का चित्र आपको दिखाया था ये कितना क्यूट बच्चा है इस बच्चे की हम कहानी आपको सुनाते हैं ये देखिए ये बच्चा इसके पिताजी की तीसरी पत्नी का बच्चा था और से आप इसका जीवन देखते जाए इसके पिताजी ने तीसरी शादी की उससे बच्चा पैदा हुआ इस बच्चे के तीन भाई बहन बचपन में ही मारे में गए छोटी उम्र में उसकी मृत्यु हो गई उन भाई बहनों की कितना गहरा डर इस बच्चे के अंदर भरा होगा पिता और इस बच्चे में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहे पिता इतना सख्त थे हर बात पे डांटते थे मारते थे बच्चे के अंदर क्रोध भराने लगा इसके छोटे भाई की मृत्यु हो गई जिस जिसका दर्द ये बच्चा कभी भूल नहीं पाया जब वो थोड़ा और बड़ा हो धीरे धीरे जब ये स्कूल में आया तब इसका पूरा चरित्र बदल चुका था एक तरफ कहां ये बहुत कॉन्फिडेंट आउट गोइंग और मजबूत बच्चा था पर अचानक स्कूल में जाके वो बिल्कुल डिटैच रहने लगा दुखी दुखी सा उसका व्यक्तित्व तो क्रश हो गया फिर जहां इसको पढ़ाई करनी थी पिताजी ने कहीं और उसको एडमिट करा दिया पिताजी के मारने दुत्कार ने और भय ने इसके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल दिया इतनी मुश्किल जीवन जीने के बाद जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो यह वर्ल्ड वॉर टू का कारण बना जिसमें सेवेंटी मिलियन लोगों की हत्या हुई और जैसे आंकड़े बताते हैं इलेवन मिलियन पीपल इसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ऑर्डर्स के कारण मारे गए पिता पुत्र रिलेशन इस बच्चे को भी शायद आपने देखा हो ऐसे बच्चे आपको आसपास कई बहुत सारे मिल जाएंगे इस बच्चे को तो पता भी नहीं था इसका पिताजी कौन जब ये तेरह साल का हुआ तो इसका भाई भी कैंसर से मर गया इसको अपने घर से दूर भेजा भेज भेज दिया गया उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली दूसरी शादी के भी कई बच्चे हुए यह बहुत असुरक्षित महसूस करता था इसके जो स्टेप फादर थे जो दूसरी शादी की इसकी माँ ने बहुत बुरी तरह से इसे ट्रीट करते थे दस साल की उम्र में यह गया घर छोड़ के और जब वापस लौटा इसका नाम था Guess who? Guess हु आप सब जानते हैं जैसा पिछला बच्चा हिटलर था ये कौन है सद्दाम हुसैन इसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदेशों और कार्यों से दस लाख लोगों की हत्या हुई ये बच्चा आप देख ही सकते हैं अनुशासन इसके चेहरे पे दिखता है इसके पैदा होने से पहले दो बच्चे इंफेंसी में ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे पिताजी बहुत शराब पीते थे शराब पी के मां को भी मारते थे और इसको भी पीटते थे बहुत अब्यूजिव रिलेशनशिप था इसके माता पिता का आपस में इसके कारण इसके अंदर बहुत गहरा रोष और क्रोध भर गया घर के माहौल ने इसको क्रोधित कर दिया जब यह क्रोध दूसरों पे नहीं निकल पाया तो क्रोध उसके अंदर होने लगा क्योंकि घर में सबसे कमजोर था इसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा विद्रोह पैदा हुआ और जब यह बड़ा हुआ तो आप सब जानते हैं इसका स्टालिन, ट्वेंटी मिलियन लोग मृत्यु को प्राप्त हुए इसके रूल के दौरान ये क्या चल रहा है ये क्या हो रहा है इस बच्चे को देखिए इतना मासूम चेहरा जैसे आपको बहुत सारे दिखे होंगे इसको भी इसके पिताजी ने बहुत यंग एज में छोड़ दिया एक बहुत डिफिकल्ट चाइल्डहुड से गुजरा मदर्स फैमिली में बड़ा हुआ अनवॉन्टेड इसकी फील हमेशा रही नाम बताएंगे इसका या तो पिता ने अत्याचार किया या पिता ने छोड़ा कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर लड़के के अंदर खास तौर पे। पिता के लिए एक स्थान हमेशा रहता है वो स्थान कितना खूबसूरत बनेगा ये दोनों पर निर्भर करता है इस व्यक्ति का नाम था ईदी अमीन पॉइंट टू फाइव मिलियन पीपल डाइड ड्यूरिंग इस पे तो ये तक इल्जाम लगे ये इंसान का गोश्त खाता है ये क्या चल रहा है ऐसे मासूम और खूबसूरत बच्चे हमें परमात्मा देता है और हम इस समाज में उनको ये बना देते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि पिता पुत्र का कॉन्फ्लिक्ट आतंकवाद का पहला कारण बनता है हमने ऐसे कई कई केसेस देखे बच्चे के अंदर अगर बेहद क्रोध है बच्चे का मनोदशा उसके पिताजी के मनोदशा से बहुत गहराई से प्रभावित होता है जितने दुनिया के टॉप टेन मोस्ट ईविल लोग हैं अगर आप उनको एक व्यू में देखेंगे तो आप एक चीज कॉमन अधिकतर में पाएंगे कि उनके उनके पिता से संबंध अच्छे नहीं थे इसीलिए हम कई बार कहते हैं पहला आतंकवादी कैम्प घर होता है और कई बार पहला आतंकवाद पिता पैदा करता है इसीलिए बच्चे के बचपन के अनुभव को सुंदर बनाइए ए और इस तरह की स्थिति घर में न पैदा हो पिताजी ने क्रोध में कहा जा मैं तुझे मृत्यु को दे देता पर बच्चा गंभीर हो गया बच्चा गंभीर हुआ उसने बहुत प्रकार से इस बात को सोचा इस कदर उसका मन में पिता के प्रति प्रेम था जो सोचने योग्य था पिता तो क्रोध में थे पर बच्चा पिता के प्रति अपने उसी अनुराग में था जब पिता ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूं तो बच्चे का उत्तर सुन के आप भी उस बच्चे के लिए मोहित हो जाएंगे कितना सुंदर बच्चे ने कहा सुनिए चलिए सुनते मंत्र छे ठीक मर्त्य बच्चते सस्यमिवा जायते पुनः जैसे ही पिता ने कहा जा मैं तुझे मृत्यु को देता हूं बच्चे ने कहा किम स्व बहुनामे मी प्रथमो बहुनामे मी मध्यमम किम स्वद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति <laughs> बच्चे ने कहा बहुतों में तो मैं अग्रगामी हूं बहुतों में मैं मध्यमगामी रहता हूं किंतु कमतर तो मैं किसी में नहीं रहता तो ऐसा क्या हो सकता है जो यम कराना चाहते हैं जिसे वे आज मेरे द्वारा संपन्न करें ऐसा कौन सा प्रयोजन हो सकता है जिसके कारण पिता मुझे यम के पास भेज रहे हैं मृत्यु के पास भेज रहे हैं निश्चित तौर पे या तो मृत्यु का कोई प्रयोजन है कोई कार्य है जो संपन्न मेरे द्वारा होने वाला है अभी भी पिता के प्रति पूर्ण श्रद्धा इसके मन में कह रहा है जरूर कोई कारण होगा मेरे पापा ने कहा है तो कोई कारण जरूर होगा दे मीजन बिहाइंड फिर वो क्या कहता है वो कहता है बहुतों में तो मैं अग्रगामी हूं ये बड़ी खूबसूरत बात उसने कही पिताजी ये बात उसने क्यों कही एक्चुअली जैसे ही पिताजी ने ये कहा पिताजी को भी रियलाइज हुआ कि थोड़ा ज्यादा बोल गए गलती से निकल गया वो से। तो पिताजी ने कहा बेटा डोंट माइंड मैं बोल गया ऐसा डोंट माइंड इट छोड़ अब तू। पर बच्चा बड़ा गंभीर हो गया उसने फिर सोचा और उस तैयार हो गया जाने और जाने के लिए उसने तर्क क्या दिया सुनिए क्या तर्क देता है कहता है बहुतों में तो मैं श्रेष्ठ हूं बहुतों में मैं मध्यम हूं पर कमतर मैं बिल्कुल नहीं इसका मतलब तीन प्रकार के लोगों का नचिकेता उल्लेख कर रहा है तीन प्रकार के लोग होते हैं जरा सोचिए आप किस प्रकार के पहला श्रेष्ठ जो कहे बिना ही मनवांचित कार्य को भाप ले और उसे कर दे चलिए आप बताइए आपके जीवन में ऐसे कौन लोग हैं जिनको आपको कहने की जरूरत ही नहीं है वो तुरंत समझ जाते हैं कितने लोग आपकी लाइफ में है चलिए संख्या लिखिए ऐसे कितने लोग हैं जो इस प्रकार के हैं कहने की जरूरत ही नहीं है उन्हें वो भाप जाते हैं इस स्थिति में आप क्या चाहते हैं और वो कर देते हैं ऐसे। आपको कहने की जरूरत ही नहीं भाप के ही वो मनवांचित कार्य कर देंगे नचिकेता ने कहा कि बहुतों में तो मैं श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ का मतलब कि मैं बिना बोले काम समझ जा और तुरंत कर देता हूं बोलने की जरूरत ही नहीं है मुझे फिर वो कहता है बहुतों में मैं मध्यम भी हो सकता हूं मध्यम कौन जो कोई कार्य कहा जाए तो फिर उसे कर अब कहा है तो हो जाए ऐसे कितने लोग हैं आपकी लाइफ में आपने कह दिया तो फिर कर जाए ऑफिस में हो या घर में हो दो गेटर वंस टोल्ड टोल्ड वो फिर कर ही जाएगा उसका आपने दिया कार्य वो करेगा उसको ईमानदारी से तो कहता बहुतों में तुम्हें मध्यम कह दोगे तो मैं जरूर करूंगा पर कहता है पर मैं कमतर नहीं हूं मैं अधम नहीं हूं अधम का मतलब तीसरी प्रकार का जिसको कहो तो भी नहीं करता ऐसे भी लोग हैं आप देखते होंगे आपने कह दिया उसे कोई काम तो भी नहीं करेगा हां भी कर देगा तो भी करेगा कुछ कारण हर बार हो जाएगा पर काम नहीं हो भूल गया सोचा मैंने करने वाला था कर दूंगा अभी ही करने वाला था आज ही करने वाला था पर होगा नहीं तो नची कहता कहता है बहुतों में तो मैं श्रेष्ठ हूं बहुतों में मैं मध्यम हूं पर मैं अधम नहीं हूं अब आपने कह ही दिया है तो, तो यह संभव नहीं है कि वो कारण ना ये तो है ही नहीं मेरा चरित्र ये तो संभव ही नहीं पिता ने कह दिया मैं ना करूं यही तो राम ने कहा अरे जब रामश्रेष्ठ पुत्र दशरथ ने राम को एक बार भी नहीं बोला वनवास पे जाइए पर दशरथ की उस स्थिति को देख के राम भाप गए कि मेरे प्रताप ऐसे अधमरी स्थिति इसका क्या मतलब है इसका मतलब स्पष्ट है मुझे कह दिया वनवास का तो तो ही मर जाएंगे और मुझे नहीं कहा तो वचन जाया हो जाएगा और वचन जाया हो गया तो क्षत्रिय तो यूं ही मर जाता है रघुकुल नंदन तो यूं ही मर जाएगा तो दोनों ही तरफ मृत्यु है मुझे कह दें तो जी ना सकेंगे और मुझे न कहें तो तो मृत्यु से भी बदतर है वचन खाली जाए तो भाप गए राम जैसे नचिकेता ने कहा बहुतों में मैं श्रेष्ठ हूं तो राम तो भाप के चलते नचिकेता ये कह रहा है एक तरह से कि पिताजी श्री राम तो भाप के चल दिए अब आपने तो कह ही दिया है तो करूंगा तो मैं जरूर अब तो करना ही पड़ेगा नचिकेता ने क्षण भर भी पिता पर संदेह नहीं किया और विचारा कोई जरूर हेतु होगा कोई तो कारण होगा पापा ने कहा है। इस कदर ट्रस्ट यही ट्रस्ट तो गुरु नानक देखना चाहते थे जब ये बात हुई कि अगला गुरु कौन होगा तो गुरु नानक ने बड़ी चुनौतीपूर्ण काम अपने दोनों बच्चों को दिए जैसे जाइए और अंधेरी रात को ठंड की रात को जाके बाहर कपड़े धोके लाइए। ऐसे जो अजीबोगरीब गरीब काम थे बच्चों ने मना भी कर दिया यही देखना चाहते थे नानक कि क्या सच में यह मेरी बातों को संदेह के परे देख पाता है अगर गुरु पे ही संदेह होगा तो फिर जीवन में श्रद्धा का विकास कैसे हो पाएगा एप्सल्यूट ट्रस्ट है उसका पिताजी पे और श्रद्धा होने पर श्राप भी वरदान बन जाता है नानक कहते थे दुख दारू सुख रोग भयो दुख भी जीवन में सुखा सिखा सी, के चला जाता है मीरा ने जहर पिया श्रद्धा के साथ वो अमृत हो गया श्रीराम के लिए वनवास अमृत हो सबकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली शायद पिता ने अपने जीनियस बेटे को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के पास भेज दिया सबकॉन्शियसली या तू मृत्यु के पास जीवन क्या सिखाएगा तेरे जैसे जीनियस को तू सिखाएगा जीवन को जीना केवल मृत्यु तुझे सिखा सकती है उसने ऐसे शिक्षक के पास भेजा अपने पुत्र को जिसका सानिध्य मात्र ही मन में वैराग्य जगा देता है मृत्यु का तो सानिध्य मात्र ही मन को वैरागी कर देता जिसके दर्शन मात्र से द्वेष खत्म हो जाते हैं सामने मृत्यु खड़ी हो किससे राज बचेगा किससे बदला लेंगे आप यूं खत्म होता है और जिसका सानिध्य देह को देही से अलग कर देता है ऐसा परम शिक्षक सोचिए उसके आने की दस्तक ही हो तो मन में वैराग्य आने लगे ऐसा गुरु जिसके आने की खबर सुन के ही मन वैराग्य से भर जाए मृत्यु वो सामने प्रत्यक्ष दर्शन दे दे तो राग द्वेश खत्म हो जाए और जब वो गले लगा ले तो देह देही से अलग हो जाए ऐसे गुरु के पास भेज तो नची के ता कहता है मैं अधम नहीं इसी तरह ऑफिस में बॉस होते हैं और तीन तरह के सबोर्डिनेट होते हैं इसी तरह हर रिश्ते में हो चलिए हम एक दूसरे के लिए श्रेष्ठ बने एक दूसरे के दुखों को परेशानियों को बिना उसके कहे भापे हर उसके तभी तो रिश्ते संपूर्ण होते हैं आज गृहस्थ में तो है तो चलिए इसको ढंग से निभाते हैं जब ब्रह्मचर्य में हो वो ब्रह्मचर्य को ढंग से निभाए बिना कहे गुरु की बात समझे ग्रस्त बिना कहे अपने प्रेमी लोगों की बात समझे वान प्रस्थ आश्रम बिना कहे इस सृष्टि की रिक्वायरमेंट को समझे और सन्यासी बिना कहे अपनी अंतरात्मा को जाए तो चलिए हम इसी यात्रा में आगे बढ़े और एक क्विक रिकैप लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा हमने यह जाना कि पहले मंत्र में कि के पुत्र ने मुक्ति की कामना में सब कुछ दान दे दिया कामना जब जब प्रवृत्ति की ओर होती है तो मृत्यु की ओर ले जाती है निवृत्ति की ओर होती है तो उसी को अमृत कहते हैं और ये जो कामना ग्र, संन्यास चारों के लिए अलग अलग प्र, प्रकार की होती हैं अर्थ काम धर्म मोक्ष इसी अलग अलग आश्रमों के लिए है और इसीलिए श्रवण ब्रह्मचर्य के लिए गृहस्थ के लिए मनन और वानप्रस्थ में निद्यादर्सन करें ताकि हम पूरा स्वरूप हो सके आश्रम में हमने जाना कि जिस प्रकार की गाय दी जा रही थी उससे बालक के मन में श्रद्धा संदेह नहीं श्रद्धा का प्रवेश हुआ गुरु और शास्त्रों से जो सीखा था वो श्रद्धा उसके मन में जागी क्योंकि उसकी फिजिकल एज मेंटल एज सोशल एज इंटेलेक्चुअल एज और स्पिरिचुअल एज सभी बहुत विकसित थी इस पांचों प्रकार की एज नचिकेता में बहुत ज्यादा थी हमने जाना कि पांच एज है और पांच ही जनरेशनल गैप है फिजिकल जनरेशन गैप मेंटल जनरेशन गैप सोशल जनरेशन गैप इंटेलेक्चुअल जनरेशनल गैप एंड स्पिरिचुअल जनरेशन गैप इस प्रकार की कमजोर गायों को देखकर और वो भी विश्वजीत यज्ञ में विश्वजीत यज्ञ से मोक्ष का क्या संबंध है नचिकेता ने पिताजी को कहा कि पिताजी किसी को आनंद प्राप्त नहीं हो आप गलत कर रहे हो और जो आहूति दे रहे हैं वो भी खराब चीजों की दे रहे हैं। जिस प्रकार का यज्ञ आप कर रहे हैं वो सात्विक यज्ञ नहीं है वो राजसिक और तामसिक यज्ञ और जिस प्रकार का दान आप दे रहे हैं वो भी सात्विक दान नहीं है तामसिक और राजसिक दान है ऐसे तामसिक राजसिक यज्ञ और दान से पिताजी कहां आप पहुंचने वाले हैं उसको शिक्षकों का पढ़ा हुआ और शास्त्रों में पढ़ा हुआ सारी बातें याद आ गई उसने विचारा और फिर पिताजी ने जब इग्नोर किया उस बात को तो उसने बार बार रिपीट किया पिताजी ने क्रोध में कहा जा मैं तो जब मृत्यु को देता हूं तो बच्चे के मन में फिर से वो श्रद्धा जागृत हुई उसने निश्चित तौर पर जाना कि पिताजी ने अगर कहा है तो निश्चित तौर पर कोई बात होगी आइए अपने घर में एक खूबसूरत रिश्ता बनाए पिता पुत्र का जो सम्मान का हो आपसी विश्वास का हो जहां पुत्र नचिकेता के समान पिता पे विश्वास करे और जहां पिता जहां पिता प्रेम करे दशरथ के समान अपने पुत्र को ऐसे रिश्ते हम अपने घरों में बनाएं चलिए हम एक दूसरे से रिश्ते में श्रेष्ठतम बने बिना किसी का कहे उसके मन की बात जानने की क्षमता जैसे नचिकेता में है जैसे श्री राम में थी हम अपने अंदर विकसित करें चलिए हम सब जब भी तप करें जब भी दान करें तो सात्विक दान करें कर्तव्य समझ कर दान करें जब भी हम दान करें देश काल के अनुरूप जिसको जो आवश्यकता हो दान करें जिससे कुछ रिटर्न की उम्मीद ना हो वहां दान करें सुपात्र को दान करें और दान करें जब भी हम यज्ञ करें तो शास्त्र अनुरूप यज्ञ करें कर्तव्य स्वरूप यज्ञ करें अफलाकांक्षा के यज्ञ करें अपने आप पूरा जीवन एक सुंदर यज्ञ बन जाएगा जिसमें हर कर्म हमारे जीवन की हर कर्म हमारी आहूति है और जब हम ईमानदार से ईमानदारी से आहूति देते हैं और कहते हैं स्वाहा तो परमात्मा ऊपर से कहता है तथास्तु राम आज के लिए इतना ही